कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं और उनमें से एक है वियतनाम का ये शख्स जो कि पेशे से वुडवर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सीएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब तक खुद का चैनल भी जिसका नाम है एनडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। 2020 में आई कोरोना की लहर की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया, कई जगहों पर लॉकडाउन तक देखने को मिला, लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी तक लगा दी गई और इसका असर खेलों पर भी देखने को मिला। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई, तब कहीं जाके कई देशों में जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले इन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के सम्मान की एक झलक तब देखने को मिली जब विंबलडन का मैच देखने आए हजारों दर्शक कोविशील्ड बनाने वाले रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। देखिए एक क्लिप। अगर ये कोरोना वॉरियर्स ना होते तो शायद हम लोग कोरोना पैंडेमिक से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं देख पाते। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से दो वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4-6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाए। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी शिरीषा 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रेंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेंटिक्स के स्पेस क्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेंटिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी शिरीषा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट स्पेस ट्रैवल शिरीषा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।